Hey guys, what up everybody? It's your boy Dani Zihan back at the game with a new video. Okay, so guys, आज का vlog थोड़ा अलग तरीके से start हो रहा है. I mean weird तरीके से start हो रहा है. Because मैं रात को बहुत late सोया था हमेशा की तरह and बहुत late उठा हूँ. और अभी मेरा डॉल्फिन शो था जो ऑलरेडी 20-30 मिनट लेट हो चुका है. मुझे बहुत धूप लग रही है. हमें अंदर जाना है. फैसला वहाँ आकर खड़ा है जो मुझे बहुत देर से फ़ोन कर रहा है बट मैं फ़ोन उठा रहा नहीं हूँ. तो चल चलते हैं देखते हैं. ओके सर, जैसे कि तुम लोग मेरे पीछे देख रहे हो, चलो चलते हैं. और बिकॉज हम लोगों को ऑलरेडी लेट हो चुका है, मेरे ख्याल से 30 मिनट लेट हो चुका है. सो डॉल्फिन शो स्टार्ट होने वाला रहेगा. डॉल्फिन शो से पहले दो शो होने वाले जो हमारे शायद छूट गए. तो जाते हैं एंड देखते हैं. पसंद आया होगा. ऑलरेडी दो शो छूट गए थे बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे. 40 मिनट ऑलरेडी लेट आए थे एंड 20 मिनट्स का शो था उन्होंने वो कैच किया बस. तो वही क्या कर रहे भाई. सो आने की टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में आया था तो मैं तुम लोगों को बाहर की चीज़ें दिखा नहीं पाया था. जैसे कि सामने एक बहुत अच्छा सा गार्डन है सामने. चलो चल कर देखते. हमारे इंडिया में से कोई पूछता भी नहीं है. ओके, तो मुझे पूरा गार्डन घूमना था एंड इससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं था कि हम लोग ये छोटी सी नमूना ट्रेन में बैठ जाए जिसे मिनी ट्रेन बोलते हैं. ये आदमी को फालतू का दर्द है. घूम बैठे बराबर है, घूमने का भी है बट
बैठना पड़ रहा है, घूमना गाना अच्छे से, कहीं फैट बन कर रहे हैं। कैमरा घुमाएंगे ना तो खाली छोटे छोटे बच्चे बैठे, खुद 5 साल के बच्चे नहीं बैठे, वो मेरा कैमरा भी टर्न नहीं होगा ना, इसलिए मैं घुमा रहा हूँ, वो दिखाता हूँ मैं, नहीं दिखाएगा वो, छोटे छोटे बच्चे बैठे, 3 साल के ऊपर कोई है ही नहीं, कुछ नहीं, चलो चल रही गाड़ी, चल रही है, चलो अंकल गेट डालो। सो भी हम लोग ट्रेन में घूमते घूमते पूरा गार्डन देखेंगे, तुम लोगों को भी आसानी होगी देखने में, मुझे दिखाने में, चलो चलते हैं, मुझे धूप में घूमे काला नहीं होना। ओके सो गाइस, हम लोग ने बुर्ज खलीफा देखा, हम लोग ने एक्वेरियम देखा, हम लोग ने डॉल्फिन शो अभी देखा, अभी हम लोग गार्डन में घूम रहे हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे फाउंटेन शो देखने, जो बुर्ज खलीफा के पास ही, पास में ना, हाँ जो बुर्ज खलीफा के पास में ही होता है, तो हम लोग वो डे टाइम पे नहीं होता है, वो इवनिंग टाइम पे होता है, सो इसलिए हमें दिखा नहीं पाया बिजी होने की वजह से। सो अभी घर पे आने के बाद अपने कपड़े चेंज करूँगा, बिकॉज मुझे बहुत गर्म हो रहा है, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे फाउंटेन शो देखने के लिए, एंड फाउंटेन शो से हो सके तो हम लोग जाएंगे दुबई कनाल भी देखने के लिए। दुबई कनाल तुम लोग को पता होगा, एक ब्रिज है, तो ब्रिज पे से वाटरफॉल होता है, एंड जैसे ही वहाँ से बोट जाता है तो वाटरफॉल बंद हो जाता है। बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है, मैं देखा नहीं फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा है, लाइव कभी नहीं देखा है, तो आज हम लोग लाइव देखेंगे एंड मेरे साथ तुम लोग भी देखेंगे। चलो चलते हैं, पहले गार्डन देखते हैं, देन वहाँ जाते हैं। पता है तुम लोगों से बहुत लोग कार में इंटरेस्टेड हो, कार्स वगैरह को लेकर, तो ये बात सही है, यहाँ पे लग्जरी कार्स बहुत अवेलेबल है, स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार्स बहुत अवेलेबल है, पता नहीं क्यों बट यहाँ बहुत अवेलेबल है, लोग खुद लोग कहते हैं यहाँ पे सस्ती मिलती है सिर्फ कार्स, तो वही तुम मेरे पीछे देख रहे हो फरारी RR। जितने भी देख रहे हो ये सारी रेंटल कार्स है, एंड इसका 2K से 3K दिराम के बीच में पर डे का रेट है। सो मेरी लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा था कि तुम लोग कौन सी कार यूज कर रहे हो, तो हम लोग निशान प्लेटिनम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरी कार भी है रेंज रोवर और हमर, वो आएगी तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, सो जैसी आएगी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मे बी नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग हमर या रेंज रोवर देखो, सो वही, सो ये निशान प्लेटिनम। सो गाइस अभी हम लोग घर पहुंचे, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, एंड देन हम लोग जाएंगे दुबई कनाल और फाउंटेन शो देखने के लिए, सो मैं तुम लोग को उस वक्त कैच करता हूँ। ओके सो गाइस, फाउंटेन शो अभी स्टार्ट होने वाला है, मुझे तो लगा ही ना हम लोग वक्त पर पहुंच पाएंगे, बट हम लोग वक्त पर पहुंच गए स्टार्ट होने के पहले, चलो चलते हैं देखते हैं। बुर्ज खलीफा दिन के वक्त जितना अच्छा दिखता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर वो रात के वक्त दिखता है।
ही मजा आया होगा जितना हमें आया। मैंने दोनों शो रिकॉर्ड किए, दोनों शो तुम लोगों ने देखे होंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं दुबई कनाल। सो बट उसके पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को रियल क्रोकोडाइल दिखाया था, वो सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था वर्ल्ड का। अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, अजब क्रोकोडाइल। जाओ अपनी सवारी, चलो। ओके सो गाइस फाइनली वी आर हियर एंड इसी तुम मेरे पीछे देखो, ये दुबई कैनाल। ओके सो अभी हम लोग बोट का वेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ से बोट जाएगा ना, वाटरफॉल अपने आप बीच में से बंद हो जाएगा एंड बोट पास होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा वाटरफॉल। तो फिलहाल हम लोग बोट का वेट कर रहे हैं एंड एक बोट आ रही है वहाँ से, ठीक है, वहाँ से एक बोट आ रही है, तो चलो देखते हैं। सो ये बोट आ रही है, ये बोट आ रही है। ये वाटर यहाँ से बंद हो गया, वाटरफॉल बंद हो गया। जैसे तुम लोगों ने देखा बोट नजदीक आई, वहां से वाटरफॉल बंद हो गया एंड अभी मिनिमम 5 मिनट्स के बाद वापिस से वाटरफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मतलब यहाँ पर ऐसे चलते रहता है। ओके सो आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा जो भी आज मैंने दिन भर में तुम लोगों को दिखाया। डॉल्फिन शो दिखाया, फाउंटेन दिखाया, कनाल दिखाया, गार्डन दिखाया। आई होप तुम लोगों ने सारी चीजें एंजॉय की होगी। बट आज का वीडियो एंड करने से पहले मैं एक छोटा सा Q&A करूंगा। इसके क्वेश्चन मैं अपने इंस्टाग्राम से उठाऊंगा। सो अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो जाकर करो, जो भी मेरा इंस्टाग्राम नेम है या साइड में दिया हुआ रहेगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहला मेरा इंस्टाग्राम लिंक होगा। अगर तुम लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो जाकर करो। सबसे पहला क्वेश्चन है अमित का कि मेरा एक्सपेंस कितना है दुबई की ट्रिप का। सो नॉर्मली अगर तुम लोग दुबई आते हो 6 से 7, 8, 10 दिन के लिए तो आपको उसका बहुत एक्सपेंस लगता है। एंड इस चीज को लेकर मुझे एक चीज क्लियर करनी है। इस चीज को लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और मैसेज भी आए कि मैंने दुबई में कितना स्पेंड किया ये 10 डेज ट्रिप का। तो बहुत लोग इंटरेस्टेड है इस चीज को लेके यहाँ पर आने के लिए। सो अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है इस चीज को लेके तो नीचे कमेंट करो। सो वो हिसाब से मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों को बताने के लिए कोई बेस्ट प्लेस जिसके थ्रू तुम लोग दुबई घूम सकते हो, कोई अच्छा पैकेज कम प्राइस में सबसे बेस्ट पैकेज। तुम लोग नीचे कमेंट करो तो उसके थ्रू मुझे आइडिया आएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है कम प्राइस में अच्छे से अच्छा पैकेज दूंगा बेस्ट डील। सो वही दूसरा क्वेश्चन पूछा है अद्दू ने, क्या भाई आप दुबई में मीटअप रखोगे। हाँ भाई मैंने सोचा है दुबई में हम लोग एक छोटा सा मीटअप रखेंगे इस फ्राइडे को ममजर फिली में। वही फेमस चाय की शॉप है, जाफरानी चाय वगैरह मिलती है वहाँ पे ममजर फिली। सो वहाँ पर दुबई में मीटअप होगा, उसका जो भी लोकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो तुम लोग आ सकते हो। सो मेरे जितने भी फैंस हैं जो यूएस है, मेरे और बाबा के जितने भी फैंस है तुम लोग आ सकते हो, मिलेंगे। स्नैपचैट एक क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम लेके आओ अपना, मिलते हैं ममजर फिली फ्राइडे को 31st। सो जो भी मिलने के लिए आने वाला है 4 बजे शार्प मिलेंगे, टाइम नोट कर लियो भाई 4 बजे शार्प मिलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:11 मतलब मुंबई के 4:30 बज रहे हैं एंड मैं अभी भी एडिटिंग कर रहा हूँ वहां पर, देखो मेरे लैपटॉप है, ये कश्मीरी चाय। दिखा दो कश्मीरी चाय क्यों बोलते हैं। सो ये कश्मीरी चाय, बादाम काजू पिस्ता सब है इसके अंदर, ठीक है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइज डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी।